नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि बहल। पिछले कुछ दिनों से जो है मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, और जनरली जो ये फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वो रिलेशनशिप इश्यूज को लेके ज़्यादा आ रहे हैं। लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमें लगता नहीं कि हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, या हमें लगता नहीं है कि जो हमारी शादी जो इतने सालों से चल रही थी वो अब आगे चलेगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, ये डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, हम सब समझदार हैं, हम सब जानते हैं। परेशानी दिक्कतें किसके साथ नहीं आती हैं और कब नहीं आई है। जब भगवान भी धरती पे आए थे, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित थे, उन्होंने भी दिक्कतें झेली हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट थे, चाहे वो भगवान राम थे या गौतम बुद्ध थे। ज्योतिष में जो है मून, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे माइंड को। और जब हम बात करते हैं मैरिड की या मैरिड लाइफ की, तो हम सातवें घर को, सेवेंथ हाउस को देखते हैं। सेवेंथ हाउस जो है वो आपको बताता है कि आपकी शादी कब होगी, आपका मैरिज का जो पार्टनर है आपका वो कैसा होगा। नाइन्थ हाउस, नवा घर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी बताता है, आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट बताता है कि आप कितने कमिटेड हैं लाइफ में। उसके अलावा शुक्र, जो कि कारक है पत्नी का, हम एक लड़की की कुंडली में शुक्र देखते हैं पत्नी के लिए। गुरु जुपिटर, जो कि कारक है पति का, हम एक लड़की की कुंडली में गुरु देखते हैं पति के लिए। ओवरऑल मैरिज के लिए जो है हम शुक्र देखते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा मून, चंद्रमा, चंद्र कुंडली जो है वो ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चंद्र राशि, जिस राशि में आपका चंद्रमा है उसको हम चंद्र राशि कहते हैं। अब चंद्र कुंडली या चंद्र राशि जो है वो ज़रूरी क्यों होती है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि मून जो है वो हमारे मेंटल गेटअप को, हमारे मेंटल मेकअप को बताता है कि किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आप मेंटली उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। तो जब भी हम हॉरोस्कोप की रीडिंग करते हैं, जब भी हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, तो हम लग्न से तो देखते ही देखते हैं, पर हम चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मेंटल स्टेटस के बारे में हमें उससे पता चलता है। जैसे मैंने कहा कि शुक्र की कंडीशन हम देखेंगे, हम जुपिटर की कंडीशन देखेंगे, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस और मून। देखिए जो अभी हालात चल रहे हैं उसमें हम सब नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं हताश हो रहे हैं। जिन लोगों का चंद्रमा अभी गोचर में शुभ ग्रह, जैसे कि जुपिटर या वीनस या और किसी शुभ ग्रह से कनेक्शन बना रहा है, ऐसे लोग जो हैं इन हालात में भी पॉजिटिव होंगे, इस सिचुएशन में भी जो है पॉजिटिविटी ढूंढ रहे होंगे कि किस तरह से जो है हम इसमें भी पॉजिटिव रहें। वहीं वो लोग जो, जिनका चंद्रमा जो है इतने शुभ ग्रहों के साथ कनेक्शन नहीं बना रहा है, वो लोग जो है ज़्यादा शायद उदास हो रहे हैं, शायद ज़्यादा हताश हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। अगर हमारा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा तो आज की ये सिचुएशन ही नहीं, आगे भी लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे हम उनको भी ओवरकम कर सकेंगे। महामृत्युंजय का मंत्र या दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने एक वीडियो भी रिलीज़ किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मंत्रों का हमारी बॉडी पे ही नहीं बल्कि हमारे माइंड पे भी कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये दो चीज़ें आप करिए तो आप मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग होंगे, और जैसा मैंने कहा अभी की सिचुएशन ही नहीं, आगे की भी लाइफ में जो सिचुएशन होगी उनको भी आप टैकल कर सकेंगे। अब बात आती है मैरिज की, मैरिड लाइफ की। जैसे मैंने आपको बताया सातवां घर, नवा घर, सेवन्थ एंड नाइन्थ हाउस, जुपिटर एंड वीनस। उसके अलावा दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हर ग्रह की कुछ दशा होती है जो कि फिक्स्ड पीरियड होता है। जैसे कि वीनस शुक्र की जो है 20 साल की दशा होती है, केतु की जो है 7 साल की दशा होती है। इस तरह से जो है हर ग्रह की जो है दशाएँ होती हैं जो कि फिक्स दशाएँ होती हैं। हमें वो देखना होता है क्योंकि दशाओं पे जो है रिजल्ट निर्भर करता है कि कुछ चीज़, जैसे जब सातवें घर में बैठे ग्रह की दशा आएगी तब जो है शादी का योग बनता है। उसके बाद तो ये तो हो गई महादशा की बात, जो कि लंबा पीरियड होता है। उसके बाद आती है अंतरदशा। अंतरदशा जो होता है वो कंपैरेटिवली छोटा पीरियड होता है, जो कि कुछ साल या कुछ महीने का होता है। फिर आती है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा फर्दर छोटी और छोटी दशा होती है, वो जो है कुछ महीने या कुछ दिनों की होती है।
अब मान लीजिए अभी आपकी जो है प्रत्यंतर दशा इस तरह की चल रही है जो कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए फेवरेबल नहीं है, तो मैरिटल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जो मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव है और जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि प्लीज़ जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें। हो सकता है ये छोटा सा पीरियड है जो कि जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ वापस खुश होगी, आपके जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो अभी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स लग रहे हैं वो शायद ख़त्म हो जाएंगे। राइट एस्ट्रो एनालिसिस, राइट एस्ट्रो गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिना किसी गाइडेंस के प्लीज़ कोई जल्दीबाजी या कोई जल्दीबाजी में कोई डिसीजन प्लीज़ मत लीजिए। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो है अपने मून को, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी से हम बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ के जो कि हम ओवरकम कर सकते हैं। आपकी दशाएं देखिए कि आपकी दशाएं अभी हो सकता है अनफेवरेबल हो, जैसा कि मैंने आपसे कहा। वास्तु में जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी कपल पिक्चर रखेंगे तो वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा आपकी मैरिटल हैप्पीनेस में। सो फ्रेंड्स, लेट्स नॉट बी इन अ हरी, प्लीज़ डोंट कम टू एनी कंक्लूजन्स, स्पेशली नेगेटिव कंक्लूजन्स प्लीज़ कोई मत निकालिए। ये समय जल्दी ख़त्म होगा, हम जल्दी ही इस टाइम को ओवरकम कर लेंगे। सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, प्लीज़ मेक योर मून स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ चैंट सम पॉजिटिव मंत्रास। And do take care of yourself and do subscribe to my YouTube channel so that I can discuss more things like this on astrology with all of you. So please take care.